हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड शेयर पर। आज इस स्टॉक में हमें 2,197 रुपीज़ पर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिला और स्टॉक में हमें 2.2% की यहाँ से तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में। तो स्टॉक के हम फाइनेंशियल और 2024 के क्वार्टर टू के नतीजे भी देख लेते हैं किस किस प्रकार से आए हैं। देख सकते हैं सितंबर का जो क्वार्टर रहा 22,517 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू हमें देखने को मिला। प्रीवियस क्वार्टर में हमें 25,438 करोड़ का देखने को मिला था और एक साल पहले कंपनी का रिवेन्यू 38,175 करोड़ के करीब था। तो यहाँ से अब देखिए हमें लगातार यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर से भी यहाँ से हमें ड्रॉप देखने को मिला है और वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें यहाँ से ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सितंबर के क्वार्टर में 438 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था और अभी जून के क्वार्टर में 718 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था और जो सितंबर का क्वार्टर था वहाँ पे 393 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो भी हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है और अगर ईयरली बेसिस पर बात करें तो भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के नतीजे इस प्रकार से रहे हैं। जहाँ से अगर अडानी इंटरप्राइजेस के चार्ट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं जो चार्ट है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए जो नीचे की साइड है स्टॉक में एक सपोर्ट बना हुआ है जो ट्रेंड लाइन है और ऊपर की साइड में स्टॉक में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट है, ये हर्डल है, ये वापस से हर्डल देखने को मिला और यहाँ से वापस सपोर्ट और सपोर्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस बहुत ही आसान दिखेगा। सिंपली आपको इसमें जो लेवल ध्यान रखना है वो है लेवल निकल के आ रहा है वो स्टॉक अगर 2,100 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है, यानी 2,100 रुपीज़ का लेवल स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी और स्टॉक फिर हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर की साइड में बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस तरीके से बात करें, एक ट्रेंड लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आप देखिए जो स्टॉक है वो अभी अगर हमें ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अच्छा निकल सकता है। तो ब्रेकआउट का जो लेवल आ रहा है वो क्या है, तो ब्रेकआउट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 2,250 रुपीज़ का लेवल। अगर स्टॉक इस लेवल को निकालता है 2,250 रुपीज़ के लेवल को तो स्टॉक में हमें एक ऊपर का साइड मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड आप देखिए जो स्टॉक है इसी तरीके से स्टॉक की चाल बनी हुई है, स्टॉक 2,250 रुपीज़ के लेवल को हर्डल को निकालता है तो स्टॉक में 2,650 रुपीज़ का लेवल ये ऐसा है जो हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से स्टॉक में ये लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा चैनल का, 2,650 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक फिर अच्छा और परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से आप अडानी इंटरप्राइजेस को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टॉक है। इस तरीके से आप अडानी इंटरप्राइजेस में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।